स्वाधीनता दिवस की तैयारी कर रहा है, लेकिन बंगाल के कुछ ऐसे इलाके हैं जो लगातार काम कर रहे हैं जिससे आप तक तिरंगा पहुंच सके। मैं ऐसी ही एक फैक्ट्री में हूं जो दक्षिण कोलकाता के ऐसे इलाकों में है जहां से सबसे ज्यादा भारत में सप्लाई होती है तिरंगे की। दरअसल आपको ये बात जानकर ताज्जुब होगा कि पूरे वर्ष जितने झंडे बनते हैं इस वर्ष उससे कई गुना ज्यादा डिमांड है। लोगों के पास से ऑर्डर्स आते ही चले जा रहे हैं और युद्ध स्तर पर इस समय काम हो रहा है विभिन्न फैक्ट्रियों में। पूछते हैं लोगों से इस बार कितने ऑर्डर आए हैं और आपको एक झंडा बनाने में कितनी देर लगती है दादा? 4 फुट झंडा में 4 मिनट लगता है और 2 फुट झंडा में 2 मिनट लगता है। ऑर्डर कितने आए हैं इस बार? पहले से कई गुना ज्यादा ऑर्डर आता है। तो अगले साल में लॉकडाउन था उसलिए ज्यादा ऑर्डर नहीं आता। अभी लॉकडाउन तो कम हुआ उसलिए ऑर्डर ज्यादा हुआ। देखिए दो बातें हैं, पहला ये कि स्कूल बंद हैं, लेकिन स्कूल बंद होने की वजह से झंडों की डिमांड में कोई कमी नहीं आई है, कई गुना ज्यादा वृद्धि हो गई है। उसका कारण है, पहला, भारत ने ओलंपिक में नया आयाम, नया मुकाम स्थापित किया है, और वहीं दूसरी ओर इस बार 75वें वर्ष में हम प्रवेश करेंगे तो उसकी खुशी कई गुना ज्यादा है। अब आपको बताते हैं कि आखिरकार झंडे बनते कैसे हैं। दरअसल 3 रंग के कपड़ों को काट के तैयार किया जाता है और उन्हें इस तरह से सिलाई किया जाता है। जो ऑटोमेटिक मशीनों में छपे हुए झंडे बनते हैं वो अधिकतर पश्चिम में बनते हैं, यानी कि अहमदाबाद, गुजरात या फिर महाराष्ट्र और उन तरह के राज्यों में। लेकिन बंगाल की खासियत है यहाँ पर हाथ की कला, उसका बड़ा उपयोग होता है, जिसकी वजह से इस तरह के झंडे यहाँ बनाए जाते हैं। अलग अलग साइज के आपको झंडे दिख जाएंगे, अलग अलग मूल्य भी है इनका, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है इसकी हाथ की सफाई। हाथ की सफाई में जितना रंग होता है उससे ज्यादा ध्यान रखा जाता है इस काम का, यानी कि अशोक चक्र के छपने का। इसमें क्या ध्यान रखा जाता है, क्या क्या इसमें केमिकल का इस्तेमाल करते हैं और कितना समय लगता है? एक को छपने में तो 10 सेकंड 15 सेकंड लगता है, मिलाने में बहुत टाइम लगता है। ऐसे ऐसे रंग लगता है, जैसे ये ब्लू है, ये है ब्लू ग्लॉक से, ये मीडियम है, ये रेड है, और इसके साथ तेल मिलाना पड़ता है। ये सारा मिलाकर तब ये रंग बनता है। छपके कैसे बनता है हमको एक दिखाइए इसको। देखिए आपको इसमें तेल तो रंग में मिलाया जाता है क्योंकि ऑयल पेंट जैसा होता है जिससे ये टिका रहे, लेकिन लाल रंग भी मिलाया जाता है जिससे नीले का रंग, अशोक चक्र का रंग उसी नीले की तरह आए जैसा आपको हर एक झंडे में दिखता है। ये और बन गया, ये कपड़े से अब सीधा तिरंगे में तब्दील हो गया है अशोक चक्र, और उसके ये 24 स्पोक्स लगने के साथ साथ ये अब अशोक चक्र के साथ ये झंडे में तब्दील हो गया है। देखिए आपको दिखा रहे हैं कैसे 2 मिनट से 3 मिनट लगते हैं बनने में एक झंडे को। इसमें कितना ऑर्डर आ रहा है इस बार, कई गुना ज्यादा ऑर्डर क्यों है इस बार? लाखों के ऊपर है। क्यों? इस साल 15 अगस्त है, उसके बाद ओलंपिक में जीता है और खेला होबे टीएमसी का, उसके लिए भी होता है। देखिए एक बड़ा दिलचस्प है ये बात भी बड़ी दिलचस्प है कि बंगाल में इस बार खेला होबे दिवस है 16 अगस्त को। 15 अगस्त को तो तिरंगा है और उसके बाद 16 अगस्त से खेला होबे दिवस है। दोनों मिलाकर, कुल मिलाकर बंगाल की ये जितने भी कारखाने हैं इनमें इस समय युद्ध स्तर पर काम हो रहा है। आपको ये लगता है कि इस बार झंडे के दाम बढ़े हैं कि नहीं? जी हाँ, बढ़ गए हैं। जो झंडा करीब 4 फुट का होता था पहले और उसका दाम 75 रुपये होता था, अब वो होलसेल में 85 रुपये तक का हो चुका है क्योंकि रॉ मटेरियल बढ़ गया है। 4 रुपये प्रति मीटर वो भी बढ़ गया है, जिसकी वजह से इस बार मूल्यों में वृद्धि हुई है। लेकिन अगर एक बात जो हमेशा की तरह सामान्य रह जाती है, या यूँ कहें कई गुना ज़्यादा दिल में बढ़ जाती है, वो है देशभक्ति, और उसी का नतीजा है ये झंडा जो जब घर में अशोक स्तंभ के साथ लग जाता है, अशोक चक्र के साथ लगने के बाद ये कपड़ा तिरंगा बन जाता है। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, कोलकाता, एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।